नदी में डूबे युवक की मिली लाश। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद NDRF पुलिस की मदद से शव को किया गया बरामद। रीवा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बीहर नदी में डूबे एक युवक की लाश गुरुवार की दोपहर अजगरा वाटर सप्लाई केंद्र के पास मिल गई। मृतक युवक नीलेश कुशवाहा निवासी करहिया तिराहा थाना विश्वविद्यालय 19 वर्ष के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। बीते दिवस युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से निकलने वाली बीहर नदी में नहाने गया था। नहाते हुए युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने गुरुवार को नदी में नाव उतारी और युवक की तलाश शुरू की। तकरीबन 5 घंटे की तलाशी के बाद युवक का शव पाया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। घटना ये मेरा भाई है, कल सुबह 6 बजे घर से निकला है ना। अभी मतलब सुबह से निकला, कोई पता नहीं था उसका, कहीं ढूंढे आज, मतलब आज उसकी जो है बॉडी मिली है हमको पीहर नदी में अजगरा पुल के पास, करीब 12-1 के आस पास। हाँ, उसकी जो कपड़े और साइकिल वहाँ पीहर नदी में ये जो मोला वाली पुल है उसके नीचे मिले हैं। घर से कुछ नहीं बताया, वो सुबह निकल गया था। क्या नाम है? नीले है, जैसे गब्बर गब्बर कहते हैं। कौन सा थाना लगता है यहाँ? जी चुराटा। जहाँ मिली घटना नहीं, हमारा थाना चुराटा लगता है। जहाँ घटना हुई वो विश्वविद्यालय लगता है।